अज़बिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट करेंगे चैप्टर 9 इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम न्यूज़ कैंडी साइंस क्लास 6। ऑल सब्सटेंसेस आर मेड ऑफ एटम्स। जैसे कि हमें पता है कि हमारे इर्द गिर्द हमें जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, इवन कि हम लोग खुद भी, हम सब एटम से मिलकर बने हैं। लेकिन एटम किस चीज़ से मिलकर बना है? एटम आर मेड फ्रॉम स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। अब हम एटम की बात करते हैं कि वो तीन सब पार्टिकल्स जिनका नाम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इनसे मिलकर बना है। प्रोटॉन कैरी अ पॉजिटिव चार्ज। अब इनके चार्जेस की बात करें तो जो प्रोटॉन है उसका जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज के साथ है और न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है। चलिए इसकी लोकेशन को भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो आपको हमेशा रिंग्स में नजर आएंगे और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, वो किसी से लड़ता झगड़ता नहीं है और प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, तो ये दोनों सेंटर ऑफ द एटम यानी न्यूक्लियस के अंदर बैठे हुए होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्योंकि नेगेटिव चार्ज के साथ है तो बस ये जो गोल गोल तेज तेज चक्कर लगाता है इन सर्कल्स के अंदर, जिनको हम शेल्स बुलाते हैं। Atoms are usually electrically neutral because they have the same number of proton and electron. अब कोई भी एटम होना, अल्लाह ताला ने उसको न्यूट्रल बनाया हुआ, ठीक है, स्टेबल बनाया हुआ। क्यों? क्योंकि जितने उसके रिंग्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, उतने ही उसके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होंगे। प्रोटॉन होंगे विद पॉजिटिव चार्ज और उस पॉजिटिव चार्ज का फ़ायदा ये है कि उतने ही नंबर के हमारे पास नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन भी हैं। बात इसको आसान करके अगर मैं आपको बताऊँ तो वो ये है कि अगर हमारे घर में चार लोग रह रहे हैं, दो बहुत लड़ाकू हैं और दो बहुत मीठा बोलने वाले हैं, तो उस घर में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जब लड़ाकू जो दो हैं वो लड़ने लगेंगे तो जो अच्छे बोलने वाले दो लोग हैं ना, वो उनको समझा लेंगे, उनको बिठा लेंगे आराम से, प्यार से, ठीक है ना। तो ये बराबर का हिसाब होता है। तो अल्लाह ताला ने ये चीज़ स्टेबल रखी हुई हर एटम के अंदर। कि एक और तरीका ये कि हमारे पास जो एटॉमिक नंबर होता है ना, वो हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। हमारे न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन हैं वो उस एटम का या उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है। और हमें पता चल जाता है कि अगर इसमें 6 प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर, तो यकीनन इलेक्ट्रॉन भी बाहर सर्कल के अंदर 6 ही होंगे। तो हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता है इसको गिनना। लेकिन जो मैं आपको बात बता रही हूँ ये है कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने का मतलब ये है कि अल्लाह ने जितने प्रोटॉन न्यूक्लियस में रखे पॉजिटिव चार्ज के साथ, उतने ही नेगेटिव चार्ज के साथ इलेक्ट्रॉन जिसके बाहर के इन रिंग्स के अंदर रखे हुए हैं। अब नेक्स्ट लाइन पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इन्होंने इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज जो इस लाइन के एंड पे लिखा हुआ है ना, वो थोड़ा सा गलत या मिसप्रिंट हो सकता है, क्योंकि ये स्टेटमेंट फिर रॉन्ग हो जाएगी। इन्होंने लिखा है कि हाउ एवर समटाइम्स एन एटम में गेन एन इलेक्ट्रॉन। जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना, वो क्या बन जाएगा? एनॉइन बन जाएगा, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज होगा, उसको नेगेटिव चार्ज मिलेगा। बट इन्होंने लिखा हुआ है कि इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, तो आप इसकी करेक्शन कर लीजिएगा कि ये नेगेटिवली, जब भी कोई एटम, आप याद रखें कि किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो नेगेटिव चार्ज के साथ खड़ा होगा। इफ़ एन एटम लूजेज एन इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। और अगर कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है, तो फिर इसने ये नेक काम किया है, तो हम उसको कहेंगे ये पॉजिटिवली चार्ज है। तो आपने याद रखना है कि जब भी कोई एटम गेन करे इलेक्ट्रॉन, किसी से मांगे, तो उसने क्या किया, मांगना बुरी बात है ना, लोगों के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए, तो उसने क्या किया, वो नेगेटिवली चार्ज हो गया। लेकिन अगर कोई एटम किसी की कोई हेल्प करता है और ख़ुद किसी को कुछ देता है, तो ये नेकी का काम होता है, तो हम उसको कहेंगे ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। नोटिस दैट इट इज़ ऑलवेज द इलेक्ट्रॉन्स दैट मूव। क्या आप ये नोटिस कर रहे हैं कि एटम में तीन सब पार्टिकल्स हैं जिनका नाम है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन चुप करके न्यूक्लियस में बैठे हैं, वो ना बाहर जा रहे हैं ना उनसे मिलने कोई अंदर आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन है जो किसी के पास चला भी जाता है, यानी गेन भी हो जाता है और लूज भी हो जाता है एटम में से, तो सिर्फ इसी को इजाजत है इधर उधर मूव करने की। दिस इज़ बिकॉज दे आर मच लाइटर देन प्रोटॉन। और ये वजह कुछ ये भी है कि प्रोटॉन से ये जो है ज़रा लाइट वेट होते हैं, तो आपको पता है मोटे बंदे से ज़रा ज़्यादा चला फिरा नहीं जाता, तो प्रोटॉन्स जो है वो क्या है, वो हैवी मास इसके साथ हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़रा लाइट मास का है, दैट्स वाई इट मूव अराउंड ईजीली।
If you rub a balloon against your hair, the balloon pulls electrons from the hair. The hair becomes positively charged and the balloons becomes negatively charged. अब आप सबने ये हरकत करके देखी होगी, आप एक बलून पकड़ें ठीक है और उसको अपने बालों के साथ ज़रा रब करें अच्छे से। अब क्या होगा, आपके बालों में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने आप को बलून को दे देंगे और वो खुद क्या हो जाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे। लेकिन जो बलून के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पुल करेंगे बालों के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ। तो जब भी आप कोई चीज़ किसी से मांगोगे, इलेक्ट्रॉन्स मांगोगे, तो आप नेगेटिव चार्ज लोगे और नेगेटिवली चार्ज हो जाओगे, और जब आप किसी को इलेक्ट्रॉन्स दोगे तो आप पॉजिटिव चार्ज हो जाओगे। तो इस तरह हमारे बाल क्या किया बालों ने, कि उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन्स बलून को दिए तो वो खुद पॉजिटिव चार्ज हो गए, और बलून्स ने बालों से इलेक्ट्रॉन्स लिए तो बलून के इलेक्ट्रॉन्स एटम्स नेगेटिव चार्ज हो गए। और आपको पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। आप जब मैग्नेट पकड़ते हो तो जो एस एस पोल होता है, साउथ साउथ पोल होता है, वो कभी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेगा, या नॉर्थ नॉर्थ को अट्रैक्ट नहीं करेगा, हमेशा साउथ साउथ नॉर्थ को और नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करता है। और फिर मैग्नेट, दो मैग्नेट्स आपस में स्टिक ऑन हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। अब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में मैं आपको ज़रा मजीद बताऊँगी कि द इम्बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है रुकी हुई इलेक्ट्रिसिटी। जो हम डेली लाइफ में हमारी इलेक्ट्रिसिटी घरों में हमें मिलती है वो मूव कर रही होती है, ठीक है ना, यानी मेन ग्रिड स्टेशन से वो चलती चलती आपके घरों तक आती है, घरों से आपकी होम अप्लायंसेस तक, फिर हम उसको कंज्यूम करते हैं। लेकिन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी बनती है सिर्फ सरफेस के ऊपर मटेरियल के, ठीक है, ये चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज के साथ सिर्फ सरफेस के ऊपर मौजूद होता है। जैसे बलून के ऊपर आपको माइनस माइनस नज़र आ रहा है तो ये नेगेटिवली चार्ज इसका सरफेस है, ठीक है, और बालों के ऊपर आपको प्लस प्लस नज़र आ रहा है तो इसका चार्ज पॉजिटिव है। तो आप ये याद रखें कि बलून और बाल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर नेगेटिवली जो चार्ज चीज़ होगी ना वो पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचेगी, यानी बलून बालों को अपनी तरफ खींचेगा क्योंकि वो बालों से इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, ठीक है ना, इसलिए वो अट्रैक्ट कर रहा है बालों को, और बाल इसलिए पॉजिटिव है कि वो लूज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन। और मज़े की बात है, ये बलून सिर्फ उस वक्त तक बालों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा जब तक कि कम्प्लीटली वो अब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो गेन नहीं कर लेता फ्रॉम द हेयर, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बालों को छोड़ देगा, ठीक है। फिर ये इम्बैलेंस जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है ना वो न्यूट्रल हो जाएगा, यानी जितने उसने बलून ने लेने थे, गेन करने थे इलेक्ट्रॉन, वो ले चुका है और वो बैलेंस बना चुका है अपना, न्यूट्रल हो गया फिर, और बालों ने जितने देने थे वो दे चुके हैं, लिहाजा अब वो बलून के साथ नहीं चिपकेंगे मजीद। तो ये अट्रैक्शन जो है ना बीच में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, वो लूज कर जाएंगे और ये इलेक्ट्रिसिटी जो है स्टैटिक वो ख़त्म हो जाएगी। अब अगर आप दोबारा चाहते हो कि ये दोबारा अमल करके देखो और आप फिर से इन दोनों मटेरियल की सरफेस के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज लेकर आओ, तो उसके लिए आपको फ्रिक्शन करनी पड़ेगी, रगड़ना पड़ेगा इसी बलून को, फिर दोबारा से रब करना पड़ेगा अपने बालों के साथ, तो आप ये चीज़ दोबारा से एक्सपीरियंस कर सकते हो, क्योंकि फ्रिक्शन जो होती है ना वो वजह है, ये रबिंग जो है, ये रगड़ जो है, ये वजह है इस चार्ज की, जो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं ना मटीरियल्स उनकी सर्फेसिस, तो यही वजह है इसके पीछे। इसके अलावा मैं आपको एक और एक्सपेरिमेंट बताती हूँ। आप घर में सबके कंघियाँ मौजूद होती हैं, कॉम्ब्स होती हैं जिनसे हम बालों को कंघा करते हैं, आप उनको स्वेटर्स के ऊपर, आजकल हम सब स्वेटर पहन के घूम रहे होते हैं, उसके ऊपर अच्छे से रब करो, या आप किसी भी कॉटन के कपड़े के ऊपर उसको अच्छे से रब करते जाओ करते जाओ करते जाओ, और फिर उस कंघी को अपने बालों के थोड़ा सा नज़दीक लेके जाओ, तो आप बिल्कुल सेम यही चीज़ एक्सपीरियंस करोगे, आपके बाल जो हैं वो लूज़ करना शुरू कर देंगे इलेक्ट्रॉन्स, और कंघी जो अट्रैक्ट करेगी बालों को अपनी तरफ गेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स। तो आप ये वाली चीज़ एक्सपेरिमेंट एक्सपीरियंस कर सकते हो कंघी के साथ भी। अगर आप इसकी कोई बहुत बड़ी मिसाल देखना चाहते हो तो लाइटनिंग इज़ अ रिजल्ट ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इन द एटमॉस्फेयर। तो आप बिजली के चमकने का जो अमल है ना वो भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और वो क्यों होता है, इट इज़ कॉज बाय फ्रोजन पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर इन क्लाउड्स रबिंग टुगेदर एंड बिकमिंग इलेक्ट्रिकली चार्ज। अल्लाह ने बादलों के अंदर जो है ना वो बर्फ़ के छोटे छोटे पानी के कतरे हैं जो कि बर्फ़ बने हुए हैं, जब वो आपस में रगड़ खाते हैं ना तो उनके अंदर ये इलेक्ट्रिकल चार्ज पैदा हो जाता है। लाइटनिंग हैपन्स व्हेन द नेगेटिव चार्ज आर अट्रैक्टेड टू द पॉजिटिव चार्ज इन द ग्राउंड। अब
ये बिजली क्यों हमें नजर आती है, हमें सिर्फ बादलों में बिजली क्यों नहीं नजर आती, बिजली जमीन पर क्यों गिरती है? कि जमीन के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, और वो पॉजिटिव क्यों होता है कि अर्थ जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रही होती है टूवर्ड्स द एनवायरनमेंट। तो क्या होगा कि बादलों का जो नेगेटिव चार्ज है वो अट्रैक्ट करेगा जमीन के पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ, इसी वजह से वो बिजली गिरती हुई हमें नजर आती है। असल में वो अपने लिए इलेक्ट्रॉन्स लेने आती है जमीन के ऊपर। द एयर अराउंड अ लाइटनिंग फ्लैश एक्सपेंड सो क्विकली दैट इट क्रिएट्स अ शॉक वेव इन द एयर। द शॉक वेव इज द थंडर दैट यू हेयर। चलिए बिजली तक तो बात ठीक है, हमें वो चमक नजर आती है और बड़ी वो है ना वर्थ सीइंग होता है वो वाला सीन जो होता है, लेकिन ये जो उसके बाद धमाके की आवाज़ आती है, जो थंडर आपको जो गरज सुनाई देती है बादलों की, उससे बहुत डर लगता है। अब वो क्यों सुनाई देती है? असल में जब ये लाइटनिंग हो रही होती है जो कि फ्रोजन पार्टिकल्स वाटर वेपर के बादलों के अंदर एक दूसरे के रगड़ खा रहे होते हैं और इलेक्ट्रिकली चार्ज हो रहे होते हैं, तो इनके इर्द गिर्द मौजूद हवा इतनी तेज़ी के साथ एक्सपैंड करती है, फैलती है कि वो एक शॉक वेव की शक्ल इख्तियार कर लेती है, एक आवाज़ बहुत सख्त तेज़ आवाज़ इख्तियार कर लेती है, उसकी शक्ल में आ जाती है। और यही आवाज़ हमें हवा की आवाज़ है जो हमें एक गरज की तरह सुनाई देती है, जैसे कि पंखा चल रहा हो ना, ठीक है, तो पंखे की हवा की एक आवाज़ होती है, आपको दूसरे कमरे में बैठे हुए पता चल रहा होता है कि साथ वाले कमरे में पंखा चल रहा है, क्योंकि उसकी हवा की एक ख़ास आवाज़ होती है, ठीक है। इसी तरह बहुत कोई जेट है, अगर एरोप्लेन है तो उसकी आवाज़ अपनी आवाज़ नहीं है, उसके इंजन्स की आवाज़ नहीं है, असल में जो उसके इंजन्स में से निकलने वाली हवा है ना, उसकी आवाज़ बहुत तेज़ है, वो भी एक शॉक वेव की तरह है। तो यही आप समझ लें कि बिलियंस ऑफ थंडर प्लेन्स जो हैं उनको एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए तो हवा इतनी एक्सपेंड करेगी कि वो अपनी आवाज़ इस तरह गरज वाली पैदा करेगी, और ज़मीन पर ऐसे जब बिजली की लाइटनिंग हमें नज़र आती है तो उसके कुछ ही सेकंड के बाद हमें ये थंडर सुनने को मिलती है, ये गरज सुनने को मिलती है। और ये क्या है? ये हवा की आवाज़ है जो कि शॉक वेव बन चुकी हुई है, क्योंकि बड़ी तेज़ी से ये एक्सपेंड हुई है, फैली है बिजली के चमकने पर। आपको एक्टिविटी में भी ऊपर बॉक्स में बताया गया कि आप वहाँ वो भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। कुछ यहाँ वो आपको बता रहे हैं कि देर आर मेनी अदर एग्जांपल्स ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इन एवरीडे लाइफ। हमारी आम मामूली ज़िंदगी में, जो हमारी मामूल की ज़िंदगी चल रही है, उसमें भी हमें बहुत सारी इसकी एग्जाम्पल्स मिल जाएंगी। लाइक अगर हम हेयर आर जस्ट टू जो आपसे वो आपको बता रहे हैं, दैट इज़ अ नेगेटिवली चार्ज बलून विल अट्रैक्ट न्यूट्रल पीसेज ऑफ पेपर। आपने कागज़ फाड़ कर ज़मीन पर फेंक देना या टेबल पर, छोटे छोटे पीसेज, जैसे कि आपको पिक्चर में नजर आ रहा है। देर आर मैनी अदर एग्जाम्पल्स ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इन एवरी डे लाइफ, हेयर आर जस्ट टू। अब वो आम हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी हमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की मिसालें मिल जाती हैं, जिनमें से सिर्फ दो का जिक्र यहाँ पर किया गया है। अ नेगेटिवली चार्ज बलून विल अट्रैक्ट न्यूट्रल पीसेज ऑफ पेपर। आप थोड़े से पेपर लें, उनको छोटा छोटा इस तरह पीसेज बनाकर जैसे पिक्चर में दिखाया गया है टेबल पर रख दें, और फिर एक बलून को किसी कपड़े के साथ रगड़ करना उन पेपर्स के थोड़ा सा दूर पास ले जाए, ठीक है ना, लेकिन थोड़ा दूर रखिएगा, आप देखेंगे कि वो पेपर्स अचानक से खुद ब खुद चिपकना शुरू हो जाएंगे, उड़कर जंप करेंगे वो टेबल से बलून की तरफ अट्रैक्ट होंगे। क्यों? क्योंकि पेपर की जो सरफेस है उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो क्या कर रहे हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहे हैं, और बलून की सरफेस के ऊपर क्या है, वहाँ नेगेटिव चार्ज है, यानी माइनस माइनस है। तो वहाँ वो क्या कर रहा है बलून, वो पेपर के इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है, और खुद क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया है। तो आपने यही एक बात याद रखनी है, जो चीज़ अपने इलेक्ट्रॉन किसी को देगी खुद पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, और जो चीज़ किसी के इलेक्ट्रॉन्स लेगी वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। The positive charged protons are brought to the surface of the paper because they are attracted to the negative charge on the balloon. अब क्या हो रहा है, जितने भी positive charged protons हैं वो क्या कर रहे हैं, वो attract हो रहे हैं towards the negatively charged electrons, जो कि किस surface के ऊपर है, balloon की surface के ऊपर है। Opposite charge attracts, so a negative charge and a positive charge will be attracted to each other. Thus, the paper is picked up by the बलून। अब बलून थोड़ा सा दूर ही है, लेकिन
सारे कागज उसने अपनी तरफ अट्रैक्ट करके खींच लिए, और यह बड़ा मजेदार सा एक्सपेरिमेंट है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि नेगेटिव पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, यहाँ पर आपने ये लाइन अच्छी तरह याद कर लेनी है कि नेगेटिव पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो इससे आपको अच्छे से याद रहेगा कि कौन किसको अपनी तरफ खींच रहा है। इफ यू वॉक ओवर अ नायलॉन कार्पेट इन अ वार्म ड्राई रूम यू मे गेट अ माइल्ड इलेक्ट्रिक शॉक व्हेन यू टच अ मेटल डोर हैंडल। अब आपने क्या करना है, अगर आपके कारपेट है कोई भी नायलॉन का कारपेट पड़ा हुआ है, जो आम रूम कारपेट्स होते हैं डले हुए बारीक से आपके कमरों के अंदर, आप उसके ऊपर नंगे पांव चलें, ज़रूरी ये है कि आपका कारपेट थोड़ा सा गर्म होना चाहिए और ड्राई आपका रूम होना चाहिए, यानी ह्यूमिडिटी नहीं होनी चाहिए, नमी नहीं होनी चाहिए आपके रूम में। अब आप चलते जाए नंगे पांव ना, जरा दो जरा वॉक करें उसके ऊपर अच्छे से। फिर आपने क्या करना है कि आप मैं अपने डोर हैंडल को पकड़ना है, अगर वो मेटल का बना हुआ है तो आपको करंट लगेगा बकायदा उसमें से, क्यों, क्योंकि आपकी बॉडी जो आपकी सरफेस है, एज यू वॉक एंड रब अगेंस्ट द कारपेट इट विल चार्ज यू अप, उसने आपको चार्ज कर दिया, आपका वॉक करना कारपेट के ऊपर आपकी बॉडी को कारपेट ने चार्ज कर दिया। व्हेन यू टच द डोर हैंडल द चार्ज कैन फ्लो टू अर्थ, अब आपकी बॉडी करंट लेकर घूम रही है, और जैसे आप किसी मेटल की चीज़ को हाथ लगाओगे, आप वो करंट पास ऑन कर दोगे उस मेटल की चीज़ को, तो आपको भी झटका लगेगा और वो वापस अर्थ के अंदर जाएगा करंट जो कि आपने कारपेट से लिया है, क्योंकि आपकी बॉडी नेगेटिव चार्ज लेकर घूम रही थी और कारपेट पॉजिटिव चार्ज, तो इस तरह आपको ये झटका लगा। डिड यू नो, पढ़ लेते हैं, नॉट ऑल मटेरियल्स चार्ज इन द सेम वे व्हेन रब्ड विद अ क्लोथ। अब सारे मटेरियल्स एक तरह से चार्जिंग नहीं लेते, यानी कुछ ऐसे हैं जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं और कुछ पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं, जिनमें पॉलीथीन है आपके पास, फॉर एग्जाम्पल गेंस इलेक्ट्रॉन एंड बिकम नेगेटिवली चार्ज। अब ये शॉपर जो होते हैं हमारे, जो उनमें हम सब्जी वगैरह डालकर लाते हैं बाजार में से, ये पॉलीथीन के बने हुए होते हैं, तो इनको अगर आप रब करेंगे अगेंस्ट योर बॉडी या योर क्लोथ या योर हेड, दे गेट नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, और ये अट्रैक्ट करेंगे आपके बालों को अपनी तरफ। लेकिन जो पर्सपेक्स होता है, ये भी प्लास्टिक का बना हुआ होता है, इसको आप इंटरनेट पर जाके इसका नाम डाल के चेक कर लीजिएगा, शीट्स होती हैं प्लास्टिक की, नॉर्मली एडवर्टीजमेंट के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए कलरफुल शीट्स होती हैं, और ये जो है ना लूज करती हैं इलेक्ट्रॉन, है तो देखिए पॉलीथीन भी प्लास्टिक की ही किस्म और पर्पेक्स भी प्लास्टिक की किस्म है, लेकिन दोनों डिफरेंट चार्ज अपने ऊपर रखे हुए हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो जो पर्सपेक्स है वो अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखता है, क्योंकि वो अट्रैक्ट नहीं करता इलेक्ट्रॉन्स को, वो गेन नहीं करता, वो लूज करता है। उम्मीद करती हूँ इस टॉपिक की आपको अच्छे समझ आई होगी। अपना खूब ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह के पान।